नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आइए रुक करते हैं 20 बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड धन शोधन मामले में राजीव सक्सेना को मजिस्ट्रेट के सामने 2 मार्च को अपना बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। भारत ने पाकिस्तान और आतंकी करतूतों का काला चिट्ठा पाकिस्तान को सौंप दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत नमो ऐप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 1 करोड़ लोगों से संवाद किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने सीमा पर तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। भारत और पाकिस्तान सीमा पर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा संघर्ष खत्म होगा। पासपोर्ट सत्यापन के लिए आवेदकों को न तो पुलिस थाने बुलाएगी और न ही कोई पुलिसकर्मी आवेदकों के घर पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में खेलो इंडिया ऐप लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक आपराधिक मामले में अमरपाली ग्रुप के चेयरमैन और 2 निर्देशकों को तुरंत गिरफ्तार करने की अनुमति दी। बिहार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत गड्ढा मुक्त सड़कों का देश होगा और 13 महीनों में गंगा अविरल होगी। बसपा सुप्रीम मायावती ने कहा कि पायलट की सकुशल वापसी के लिए भारत सरकार पूरी जी जान लगा देगा। पीएम मोदी की अमेठी में प्रस्तावित रैली को लेकर सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर के बडगाम क्षेत्र में क्रैश हुए भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर में शहीद हुए यूपी के 2 वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मई से शुरू होंगी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में BEd की परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश में कचहरी कांड खुलासे को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में बंधक विंग कमांडर की मुल्क वापसी के लिए यूपी के स्कूलों, मदरसों और मंदिरों में दुआएं की गईं। देहरादून नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा। उत्तराखंड में 2173 करोड़ के निवेश की मंजूरी से 2000 नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि के तहत दून ऋषिकेश मार्ग पर 252 मीटर लंबे पुल को मंजूरी दी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने शीतकाल के पीक आवर्स में उद्योग को पूरे 1 घंटे की छूट मिलेगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने गौशाला को घरेलू दरों पर बिजली देने की घोषणा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।